आज इन लोगों को जोड़ा है, जो कहाँ से हैं और मतलब कितने लोग आज आप सदस्यता ग्रहण कराई है? आज जो है हमारी पार्टी में जदयू से दो आई हैं, जदयू से एक आई हैं चंद्रकांता देवी और दूसरी आई हैं ज्योति गुप्ता और एक आई है बीजेपी से बच्ची देवी जी, एक बीजेपी से दो जदयू से हमारी पार्टी में जुड़ी हैं। इन लोगों को उस पार्टी में थी लेकिन जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और जो भी महिला अपने हक और अधिकार को लेकर के जब भी पटना आई मांग को लेकर के तो सबों के साथ जो है बहुत ही पुलिसिया तंत्र के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, रोड पे दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है और इतनी कमरतोड़ महंगाई है, केंद्र और बिहार सरकार कुछ नहीं कर रही है, कोरोना काल से लेकर के नोटबंदी से लेकर के जो वादा किया गया था वो सब जुमला में बदल गया, 15-15 लाख रुपया सब महिला जनधन योजना के तहत खाता खुलवाने का काम किया लेकिन सारा ठनठन योजना हो गया, उजाला योजना के अंतर्गत कहे रसोई गैस देंगे और सब्सिडी देंगे लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला, बदले में जो है इतना जो गैस को 400-500 रुपया में भरवाती थी आज 1000 से लेकर के 1200 तक कहीं कहीं रुपया लिया जा रहा है। तो सभी बातों को देख करके और खास करके आदरणीय हमारे जो बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी, उन पर ही महिलाओं का मतलब भरोसा रह गया है कि इस जो है महा राक्षसी राज से अगर उबारा जा सकता है तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना बहुत ही जरूरी है और ये लोगों पूरे दृढ़ संकल्पित होकर के हमारे पार्टी को ज्वाइन की है कि तेजस्वी यादव जी ही एक ख्यवनहारे महिलाओं के लिए और हम पूरी महिला पूरे ताकत के साथ आधी आबादी तेजस्वी यादव जी को जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग जो है चैन की सांस नहीं लेंगे। उसी के तहत आज जदयू से दो महिला और बीजेपी से एक महिला हमारी पार्टी में ज्वाइन की है, इनको हम लोग जो है पूरे सम्मान के साथ पार्टी तीनों महिला को जो है प्रदेश में सचिव में बनाई हूँ महिला प्रकोष्ठ में और मैं पूरे उम्मीद करती हूँ कि ये अभी एक हैं कल 1000 में ये पहुँचेंगी इसी संकल्प के साथ। नाम बताइए अपना। मैं चंद्रकांता देवी चाहूँगी और मैं पहले जदयू में थी। राजद के सदस्य जो आज ग्रहण की किस चीज को क्या चीज देख के आप राजद में आई हैं? मैंने इनका स्वभाव और बात महिला के प्रति जो होती है वो सुनकर मुझे भी इच्छा हुआ था इनमें जुड़े तो जुड़ गए। तो महिलाओं के लिए क्या काम करेंगे आप, कैसे मजबूत करेंगे? मजबूत करने का वो जैसे होना क्या होगा या महिला को या बच्ची को रेप होता है उसमें हम लोग को जहाँ भी कूदना पड़े हम कूदेंगे। मतलब आप लोग राष्ट्रीय जनता दल के लिए लड़ने के लिए तैयार हो रही है? एकदम तैयार। महिला को मजबूत करेंगे हर तरह? एकदम मजबूत करेंगे, महिला मजबूत करना ही पड़ेगा ना।